जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद के सदर तहसील के राप्ती के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में पशुओं के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर एंटी लार्वा का छिड़काव, साफ सफाई कराया जाए तथा बाढ़ शरणालय में निर्बाध विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित कराया जाए। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमें लगातार गांव में भ्रमण करें और आवश्यक दवाएं, क्लोरीन गोली, ओआरएस पैकेट आदि का कैंप लगाकर वितरण कराया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उन क्षेत्रों के लेखपाल व राजस्व निरीक्षक के माध्यम से सत्यापन कराते हुए वाटर टैंकर के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम लगातार बाढ़ से प्रभावित गांव के स्वास्थ्य कर्मियों, लेखपाल, ग्राम प्रधान से प्रतिदिन संपर्क में रहते हुए यदि किसी संसाधन की आवश्यकता हो तो तत्काल उपलब्ध कराया जाए, कंट्रोल रूम एक्टिव रहे। उन्होंने निर्देश दिया कि नदी का जलस्तर घटने पर समस्त ग्रामों में विशेष सफाई अभियान संचालित करते हुए कूड़े का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए, साथ ही छिड़काव की व्यवस्था भी की जाए। बाढ़ प्रभावित ग्रामों में ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, ANM व आशा आदि अन्य ग्राम स्तरीय कर्मचारी ग्राम में ही कैंप करेंगे। यदि यह अनुपस्थित पाए गए तो इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, ठीक सर 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 देखते हैं ना, पानी पीला, पानी नहीं पीला होता है।
Thank you.
सर उस साइड में हम लोग सर के इस साइड चल रहे हैं, थोड़ा पैरेलल चल रहे हैं। चलिए चलिए चल गई ना है। तारीख में गोरखपुर जनपद में 51 गांव में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और अगले एक दो दिन में और थोड़े गांव उसमें प्रभावित होने की संभावना है। लगातार हमारी जो बाढ़ नियंत्रण योजना है उसको धरातल पर क्रियाशील करने के लिए सारी टीम भ्रमणशील है, लोगों से लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं, कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है, ग्राम स्तरीय कर्मचारियों से फीडबैक भी प्राप्त किया जा रहा है। मुख्य रूप से जहाँ विस्थापन हो रहा है या बाढ़ चौकियों को क्रियाशील करके वहाँ राशन की सामग्री, पीने की पानी की व्यवस्था और अन्य राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है, जानवरों के लिए भूसे की व्यवस्था और स्वास्थ्य टीम लगातार भ्रमण करके फॉगिंग की व्यवस्था और दवाइयों का वितरण वो सब कराई जा रही है। पानी रिसीट करने के लिए बाद भी हमें उसके लिए तैयारी में जुटना है, वो हम लोग कराएंगे। नावें लगा दी गई हैं, NDRF SDRF की टीम भी सक्रिय है और जैसे आपने देखा अभी गांव में लगातार हम लोग भ्रमण करते हुए लोगों से सीधा बात करते हुए कंट्रोल रूम के मॉनिटरिंग से लोगों तक सारी सामग्री और बाढ़ नियंत्रण योजना का क्रियाशीलता हम सुनिश्चित करेंगे। आज की तारीख में 51 गांव प्रभावित हुए हैं और 100 से ज़्यादा नाव लगाई गई हैं, हमारे 270 से ज़्यादा नाव तैयार हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको डिप्लॉय किया जाएगा। नहीं, अभी 51 गांव में पानी आया हुआ है लेकिन कहीं मेजर विस्थापन नहीं है, आबादी में पानी नहीं आया है, कृषि क्षेत्र में जलमग्न हुआ है लेकिन वॉच किया जा रहा है और अगर इसमें और स्थिति बढ़ जाती है तो उसके लिए हमारी तैयारी है। नहीं, अभी घाघरा और तीन तहसीलें प्रभावित हैं, घाघरा और राप्ती में बाढ़ आई हुई है लेकिन हम वॉच कर रहे हैं और अगर कोई स्थिति आती है तो आपसे संवाद करेंगे।